सो हेलो फ्रेंड यार, क्या हाल चाल है यार। इस वाली वीडियो में दोस्तों बात करने वाला है फ्री फायर गेम के अंदर एक और न्यू फिल्म के बारे में, जो कि दोस्तों अभी के टाइम पे आपको रैंक पुश करने में देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्री फायर नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे बहुत सारे बंदे को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। 999 प्लस वाली प्रॉब्लम होता क्या है दोस्तों, बंदे को तो आप लोग मार ही देते हो, लेकिन आपका नेटवर्क की वजह से यार बंदा ही मार देता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया था यार, मैंने उस बंदे को पहले ही बहुत सारा डैमेज दे दिया था, लेकिन यार क्या ही बताओ, नेटवर्क की वजह से भाई कुछ नहीं मुझे मार दिया। तो चलो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग भी बिल्कुल अपने नेटवर्क को स्मूथ कैसे चला सकते हो। जैसे कि देख लो, अभी मैं यूज कर रहा हूँ एकदम 75 पे है, तो भाई 73 पे या मतलब क्या यार, यहाँ पे थोड़ा सा भी नेटवर्क रेट नहीं हो रहा है, ना ही 999 हो रहा है। तो चलो गाइस, जो मैं आपको प्रोसेस बता दूं उसे आप लोग भी नेटवर्क वाले प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर लोगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया यार, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना और चैनल पे न्यू दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना जरूर से जरूर। दोस्तों नेटवर्क वाली प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया मैंने वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करना और दो तीन ट्रिक बताऊंगा जो कि मैंने खुद ही यूज किया, जिससे कि हमारा नेटवर्क एकदम स्मूथ चल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो चलो मैं आपको वो कौन से ट्रिक है बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना गेम को ओपन कर लेना, गेम को ओपन करने के बाद सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट नेटवर्क इशू का एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे में दूसरी तरफ से। देख लो यहाँ पे नीचे में दूसरा नंबर पे ये देखने को मिल रहा है रिपोर्ट नेटवर्क इशू, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सेंड रिपोर्ट कर देना, जो कि देख लो यहाँ पे मैंने कर दिया और ऐसे मैंने भी किया था। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे एक नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग नेटवर्क सेटिंग में आ जाना और यहाँ पे नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन जो है इसको आप लोग ऑन कर लेना, और यदि आप में ऑफ है तो इसको आप लोग ऑन कर लेना और ऑन है तो आप लोग ऑन ऑफ कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, उसे भी आप लोग ध्यान से ही देखना। तो सबसे पहले दोस्तों आप फ्री फायर या फिर तो फ्री फायर मैक्स जो भी खेलते हो आप में, जिसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आप लोग उस पर टैप के रहना। टैप के रहने के बाद दोस्तों इस तरह से ऐप इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर तो आप लोग स्टोरेज पे क्लिक करना। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा बिल्कुल भी मत करना, वरना आपने जो भी गेम के अंदर डाउनलोड किया है कलेक्शन पैक वगैरह वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर डाटा पर क्लिक करना और क्लियर कैश जो नीचे का ऑप्शन है आप लोग इस पर एक बार क्लिक करके ओके कर देना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना, एक बार बैक और बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार गेम के अंदर आ जाना है। गेम के अंदर आने के बाद दोस्तों सेंड रिपोर्ट नेटवर्क इशू जो भी था ऑप्शन आप लोग सेटिंग में आना और नीचे में रिपोर्ट एंड नेटवर्क इशू वाला जो ऑप्शन है इसको आप लोग एक बार फिर से सेंड रिपोर्ट कर देना। तो चलो यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको सेंड रिपोर्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा और काम करना है, आप अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना या फिर तो रिबूट कर देना। तो जैसे कि देख लो यहाँ पे मेरा पोको का फोन है, इसलिए इसमें रिबूट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हो सकता है दोस्तों आप में यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग रीस्टार्ट कर लेना। वैसे जो ऑन खुद से ऑफ होता है और खुद से ऑन होता है वो मैं आपको करने को बोल रहा हूँ, ना कि दोस्तों फोन को ही रीसेट करने को बोल रहा हूँ। आप लोग फोन को रीसेट मत करना, अच्छे से सुनो यार, रीस्टार्ट करना जो कि फोन खुद से ऑन होके ऑफ होके ऑन हो जाए। तो बस इतना करने के बाद आप लोग गेम में आ जाना, और गेम में आने के बाद दोस्तों आपका जो नेटवर्क है स्मूथ चलेगा, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।